जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। आप सभी जानते होंगे कि अभी जस्ट एनसीएल में वैकेंसी आई थी, इसी के साथ साथ और भी वैकेंसी आना चालू ही है। अगर हम बात करें एनएमडीसी की, तो एनएमडीसी की तरफ से भी नया नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जो कि आपका इस वर्ष का नया नोटिफिकेशन रहेगा परमानेंट जॉब के लिए। अगर हम डेट की बात करें, आप यहाँ पर देख पाओगे 16/8/2023 इसकी डेट है। नोटिफिकेशन नंबर आपका 07/2023 है। मतलब जो एनएमडीसी के बारे में नहीं जानते उनको मैं यहाँ पर बता दूँ, एनएमडीसी जो होती है यह एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट है। इसमें बात करें जो आपकी कोल माइंस होती है, इसी प्रकार का यहाँ आयरन माइंस होता है एनएमडीसी। एनएमडीसी की बात करें तो इसके बारे में आप कई स्टूडेंट जानते होंगे, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट ऑफ कॉरपोरेशन। इसकी जो प्लांट है या जो कॉम्प्लेक्स है, यह छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, बेल्लारी कर्नाटका में है। इसका हेड ऑफिस की बात करें तो हैदराबाद तमिलनाडु में। दोस्तों, किसके लिए रिक्रूटमेंट आई है, कौन इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप चैनल के पास पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना। देखिए, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे, सबसे पहले आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी जो आएगी आपकी ब्लास्टर ग्राइंडर सेकेंड के लिए। बात करें हम यहाँ पर क्या क्या मांगा हुआ है, सबसे पहले प्रोजेक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ आपके तीन प्रोजेक्ट, मतलब कि तीन कॉम्प्लेक्स के लिए है। एक है किरांदुल कॉम्प्लेक्स, एक है बचेली कॉम्प्लेक्स और एक है आपका डीएमपी पन्ना कॉम्प्लेक्स, जो कि मध्य प्रदेश में आता है। किरांदुल और बचेली कॉम्प्लेक्स आपके छत्तीसगढ़ में आते हैं। बात करें सीटों की संख्या की, तो जो आपका किरांदुल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इसमें एक सीट है, बचेली कॉम्प्लेक्स में दो सीट है। ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपके आते हैं दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। इससे पहले भी इसकी रिक्रूटमेंट आई थी, कई आपको क्लासेज आदि देखने को मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पर लोकल जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो मेट्रिक या आईटीआई आपका होना चाहिए। दोनों में से आपके पास जो भी हो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इसी के साथ आपके पास में ब्लास्टर या माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपको यहाँ पर दिया गया है कि फर्स्ट एड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 वर्ष का ब्लास्टिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। रिजर्वेशन पोस्ट की बात करें, कहाँ पर टोटल कितनी पोस्ट है, किरांदुल कॉम्प्लेक्स में आप देख पाओगे एक पोस्ट है, टोटल एक ही पोस्ट है जो कि आपकी एसटी की रहेगी। बचेली कॉम्प्लेक्स में दो पोस्ट है जो कि यूआर की रहेगी। अगर आप एज लिमिट के दायरे में आ जाते हो तो एससी एसटी ओबीसी सभी स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और डीएमपी पन्ना में यहाँ पर एक सीट है। आगे आगे इसमें बात कर लेते हैं पे लेवल की, ₹19,000 आपका फर्स्ट ईयर का पे लेवल रहेगा। भत्ते एचआर आदि सब कुछ जुड़ के सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी, लगभग 35,000-38,000 के आसपास जाती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट 6 मंथ रहेगा आपके, यहाँ पर ₹19,500 रहेगा। इसके बाद आपके इंक्रीमेंट लगना चालू हो जाएगी जो कि 3% होंगे। मतलब आपकी टोटल शुरू से लेके लास्ट तक सैलरी की बात की जाए 19,900 से लेके 35,040 रहेगी। इसके साथ में भत्ते एचआरए और जो भी अलाउंसेस होते हैं सारे ऐड हो जाएंगे। मैक्सिमम एज की बात करें तो 30 साल है, मिनिमम एज की बात करें तो 18 साल है। एज का कटाव यहाँ पर 5/9/2023 दिया है, मतलब 5/9/2023 फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट तक आप 30 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष से कम के नहीं होना चाहिए। आगे इसमें बात करें फीस आदि की, तो यहाँ पर जो फीस दी गई है आगे आप देख पाओगे, एज रिलेक्शन के बारे में ऊपर बताया गया था। सबसे पहले हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। देखिए, लास्ट डेट आपकी क्या है, 5/9/2023, मतलब इस डेट तक आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और यह पीडीएफ भी टेलीग्राम में दे दूंगा ताकि आप और भी अच्छे से इसको पढ़ सके। फीस की बात करें तो नॉन रिफंडेबल ₹150 आपको यहाँ पर फीस लगने वाली है, यहाँ पर दिया गया है। आपकी जो फीस है कितनी है, 150 रहने वाली है। आगे इसमें बताया गया कुछ जनरल इंट्रक्शन है। अगर हम काम की बात करें तो यहाँ पर होता है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, 2 पेज में आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड आपका होगा ट्रेड टेस्ट। अब रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करें तो 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर आएगा, आगे उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। और बात करें एग्जाम कहाँ कहाँ पर होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, द रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड बचेली डिस्ट्रिक्ट साउथ बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। डेट की बात करें तो 4/10/2023 को आपका एग्जाम होगा। और रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4/10/2023 को रिजल्ट आपका यहाँ पर पब्लिश कर दिया जाएगा। सारी चीज़ों को यहाँ पर इन्होंने बताया गया है। इसके बाद जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे उनका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट आदि करवाया जाएगा। आगे इसमें बात करें तो क्या क्या आने वाला है एग्जाम में, तो देखिए सब्जेक्टिव नॉलेज के यहाँ पर टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके ट्रेड से रहेंगे। जनरल नॉलेज के आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह 50 क्वेश्चन आपको वहाँ के लोकल पूछे जाते हैं, मतलब लोकल लैंग्वेज से संबंधित, लोकल वातावरण से संबंधित। वहाँ जो दंतेवाड़ा के लिए अगर अप्लाई करोगे तो वहाँ का लोकल जीके पूछा जाता है। इसको हमने पहले क्लासेस भी कराई है, आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपको सारा लोकल जीके मिल जाएगा।
इसके बाद भी अगर आप ई बुक वगैरह लोकल जीके की पर्सनली परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसको लिंक या नंबर आदि मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर पाओगे। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग की बात करें तो 20 अंक की मिलेगी, मतलब टोटल आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्के रहेंगे। यहाँ पर देख पाओगे पार्ट वन और पार्ट टू दोनों में बताया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो जीके पूछा जाता है वो आपका नॉर्मली जीके नहीं पूछा जाता है, जो आपका स्टैटिक जीके होगा, यहाँ पर वहाँ का लोकल जीके के अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन पेपर आदि देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पे उसकी क्लासेज आदि देखने को मिल जाएगी। तो यह सारी बातें थी जो हमने आपको बता दी। अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। साथ में कुछ जनरल कंडीशन आदि दी गई है तो उसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको यह PDF मिल जाएगा और साथ ही साथ इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अप्लाई करने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।